कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर। 1 जनवरी 2000 समथिंग से 31 दिसंबर 2000 रहे, मतलब उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। तो हम लोग फॉलो करते हैं जनवरी से दिसंबर, मतलब हम लोग हर साल डेप्रिसिएशन देंगे 31 दिसंबर को। परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2013, हम लोगों ने एक मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2013 में 30,000 का। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2013, हम लोग कुछ टाइम के बाद 1 अक्टूबर 2013 में और एक मशीन खरीदे 20,000 का। एंड ऑन 1 जुलाई 2014 कॉस्टिंग 10,000। ऑन 1 जनवरी 2015 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2013। तो हम लोग एक मशीन खरीदे थे 1 अप्रैल 2013 में 30,000 का, उसके बाद और एक मशीन खरीदे 1 अक्टूबर 2013 में 20,000 का, फिर और एक मशीन खरीदे 1 जुलाई 2014 में 10,000 का, फिर 1 जनवरी 2015 में 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 बिकेम ऑब्सोलेट एंड वॉज सोल्ड फॉर 3,000। तो जो मशीन हम लोग 1 अप्रैल 2013 में खरीदे थे, मतलब इस दिन पे 30,000 का, इस 30,000 का 1/3 हम लोग सेल कर रहे हैं। 1/3 मतलब इसका सिर्फ 10,000 वाला पोर्शन सेल कर रहे हैं, 3,000 में बेच रहे हैं। शो हाउ मशीनरी अकाउंट वुड अपियर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इट बीइंग गिवेन दैट मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10% पर एनम। तो इसका हम लोग को वर्किंग्स करना पड़ेगा क्योंकि मोर देन वन मशीन का सम है। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले हम लोग मशीन खरीदे थे 1/4/13 में परचेज। देखो एक चीज हम बता देते हैं, डेप्रिसिएशन का सम को हमेशा पूरा स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या फायदा होगा, जब भी बोलता है कि हम लोग 1/3 मशीन बेच दिए हैं तो उसको शुरू में ही डिवाइड करते हुए सम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाद में रियलाइज करेंगे कि 1/3 बेच रहे हैं, शुरू में ही पता होना चाहिए कि बाद में हम लोग इसका 1/3 बेच देंगे। तो इसका क्या करेंगे, M1 तो लिखेंगे, 30,000 में खरीदे हैं, पर इसको हम लोग 1/3 मतलब क्या 10,000 और 2/3 मतलब क्या 20,000, इसको शुरू में ही बांटते हुए हम लोग सम को करेंगे। ठीक है, इस ये तो हम लोग खरीदे थे। फिर 1/10/13 में और एक मशीन खरीदे थे 1/10/13। ऐसा डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हम लोग 1/3 ऑफ द मशीन सेल कर रहे हैं। तो 30,000 का 1/3 को हम लोग एक तरफ कर दिए, जो पोर्शन बेचेंगे बाद में। फिर 1 अक्टूबर 2013 को फिर से परचेज किए थे M2। M2 हम लोगों ने कितने में परचेस किया था, 20,000। उसके बाद बोल रहा है फिर 2014 में किए थे, वो अभी नहीं लिखना है, डेप्रिसिएशन देने का टाइम आ जाएगा। तो लेस डेप, अब डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%, तो 10,000 का 10% होता है 1,000। पर कब खरीदे हैं, खरीदते वक्त और बेचते वक्त मंथ को काउंट करेंगे। तो अप्रैल से दिसंबर होता है 9 मंथ्स, तो 10,000 का 10% पर सिर्फ 9 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा, 1,000 × 9/12 दैट इज 750। और 20,000 के साथ भी सेम करेंगे, 20,000 का 10% 2,000 × 9/12 1,500, और इस 20,000 के ऊपर भी 10% तो होगा 2,000। पर ये खरीदे थे अक्टूबर में और एंड हो रहा है दिसंबर में, दैट इज 3 मंथ्स, तो × 3/12 दैट इज 500। अब हम लोग इसको सिंपली माइनस कर लेंगे, इसका आएगा 19,500, इसका 18,500 और इसका 9,250। ये 1/1/14 का बैलेंस है।
इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग 1 जुलाई 2014 में एक और मशीन खरीदे थे, मतलब 1/7/14 में और एक मशीन खरीद लिए, परचेज M3। इस मशीन का कॉस्ट था 10,000, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है, अच्छा 2014 में और कुछ हुआ नहीं तो सिंपली इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन दे देंगे। अब डेप्रिसिए, ये है SLM मेथड, तो डेप्रिसिएशन हर बार किसके ऊपर दिया जाता है? कॉस्ट के ऊपर। तो इस बार 10,000 का पूरा 10%, दैट इज 1,000, 20,000 का पूरा 10%, दैट इज 2,000, 20,000 का फिर से पूरा 10%, दैट इज 2,000। सिर्फ खरीदते वक्त और बेचते वक्त ही मंथ काउंट करेंगे, बाकी बीच में कोई मंथ काउंटिंग नहीं होता है, पूरा पूरा दे देंगे। 10,000 का 10% होता है 1,000, पर ये अभी खरीदे हैं तो कितना महीना यूज किए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओनली 6 मंथ्स। तो 10,000 का 10% 1,000 और उसको 6/12 500, तो इन चारों को माइनस करेंगे तो ये 8,250, ये 16,500, ये 17,500 और ये 9,500, तो ये 1/1/2015 का बैलेंस है। इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि 1 जनवरी 2015 को, मतलब एकदम ओपनिंग डेट पे ही। तो देखो, हम बोले थे बेचते वक्त डेप्रिसिएशन दे कर बेचेंगे, पर यहाँ पर तो 1 जनवरी 2015 में ही बेच दे रहे हैं। कितने में? 3,000 में, ठीक है। तो 3,000 रुपए में हम लोग कौन से मशीन को बेच रहे हैं? इसको, जो 1/3 पोर्शन था सिर्फ उसको, तो हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। सेल करते वक्त डेप्रिसिएशन देकर सेल किया जाता है, पर पहले तारीख पे ही बेच दे रहे हैं तो यूज किए ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्या देंगे। तो इसको हम लोग 3,000 में बेच रहे हैं। तो 8,250 का सामान था, उसका वैल्यू तो इतना निकाल के रखे थे, उसको बेच रहे हैं 3,000 में, तो 5,250 का हम लोगों को लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि अच्छा और कुछ बोला नहीं है, तो इस साल का भी 31 दिसंबर 2015 आ जाएगा डेप्रिसिएशन देने का टाइम। तो ये मशीन तो अब हम लोग के पास है ही नहीं, इसका डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे देंगे, दैट इज 2,000, इसका डेप्रिसिएशन भी ओरिजिनल कॉस्ट पे देंगे, दैट इज 2,000, इसका डेप्रिसिएशन भी ओरिजिनल कॉस्ट पे देंगे, दैट इज 1,000। तो 9,500 से 1,000 गया तो 8,500, या 15,500, यहाँ 14,500, तो 1/1/16 में हम लोग के पास बैलेंस कितना है? इतना। तो यहाँ पर लिखा है इलस्ट्रेशन 20 में, ऑन 1/1/11 मशीनरी वॉज परचेज फॉर 80,000। हम लोगों ने 1/1/11 में एक मशीन खरीदा है 80,000 में। ऑन 1/7/12 एडिशंस वेयर मेड टू द अमाउंट ऑफ 40,000। हम लोग 2012 में और एक मशीन खरीदे हैं 40,000 का। ऑन 31/3/13 2013 में मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/7/12, जो हम लोग दूसरा मशीन परचेज किए थे 1/7/12 में 40,000 में, उसका कॉस्टिंग 12,000 वाज सोल्ड फॉर 11,000। मतलब पूरा 40,000 नहीं बेच रहे हैं, 40,000 का सिर्फ 12,000 का पोर्शन बेच रहे हैं। जैसे सोचो, हम लोग एक कंप्यूटर खरीदे हैं 40,000 में, तो कंप्यूटर होगा, मॉनिटर होगा, उसका CPU, माउस, कीबोर्ड, बहुत कुछ होगा। 40,000 में हम लोग पूरा सेट खरीद के लाए, पर अब हम लोग पूरा कंप्यूटर नहीं बेच रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसका CPU बेच रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ उस 40,000 के कंप्यूटर से उसके 12,000 का सामान को बेच रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा है, हम लोग जो 40,000 का मशीन खरीद के लाए थे वो पूरा 40,000 नहीं बेच रहे हैं, उसका सिर्फ 12,000 का सामान बेच दे रहे हैं 11,000 में। फिर 2013 में हम लोग और एक मशीन परचेज किए, मशीनरी परचेज ऑन नहीं, फिर 2013 में हम लोग जो एक मशीन खरीदे थे
1114 में, हम लोग 1114 में, ऑन 30 जून 2013, मशीनरी परचेज्ड ऑन 1114, कॉस्टिंग 32,000। अच्छा, ये 1114 नहीं, प्रिंट मिस्टेक है, 1111 होगा, जो पहले तारीख में खरीदे थे, तो यहाँ पे 1111 होगा। तो बोल रहा है कि 30 जून 2013 में हम लोग जो मशीन 1111 में खरीदे थे 80,000 में, अब अगेन पूरा 80,000 उसका नहीं बेच रहे हैं, उसका सिर्फ 32,000 का सामान बेच दे रहे हैं 26,700 में। फिर 1013 में हम लोग एक एडिशन किए, मतलब और एक मशीन खरीदे 20,000 में। डेप्रिसिएशन 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, मतलब डीबीएम में। मशीनरी दिखाना है 3 साल तक, मतलब 2011 से 2013 तक। ईयर एंड दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन देने का टाइम है 31 दिसंबर। देखो, सबसे पहले सब में बोला था 1111 में हम लोगों ने एक मशीन खरीदा है, बट डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोग पूरा सम को इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में उसका जितना पोर्शन बेच रहे हैं ना, वो पहले ही अलग कर देंगे। तो हम लोग 1111 में एक मशीन परचेस किए थे 80,000 में, पर सम पढ़कर हम लोग निकाले थे कि बाद में इसका 32,000 का पोर्शन हम लोग बेच रहे हैं, तो अभी ही इसके 32,000 को हम लोग अलग कर देंगे। तो 80,000 में से 32,000 अलग कर देंगे, तो इधर और एक पार्ट बचेगा उसका 48,000 का। तो जब भी कोई मशीन को हम लोग फ्यूचर में बेचने वाले होंगे, तो उसको लिखते वक्त शुरू में ही दो दो भाग में बांट देंगे। तो ये हम लोग कर दिए। फिर और तो कुछ 11 में हम लोग किए नहीं, और ये दिसंबर का सम है, तो पहले 31 दिसंबर 2012 आ जाएगा, या सॉरी 11 आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। तो 32,000 का 10% पूरा देंगे, क्योंकि अब जनवरी में खरीदे थे और दिसंबर में डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब पूरे साल का। तो 32,000 का 10% 3,200, और 48,000 का 10% 4,800, तो इसको माइनस करेंगे। तो ट्वेल्व में हम लोग के पास ये बैलेंस है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि 1712 में हम लोग और एक मशीन खरीदें, तो सिंपली 1712 में और एक परचेज दिखाएंगे। तो अब 2012 में और कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जो 40,000 है, इसका भी हम लोग आगे जाके 12,000 का पोर्शन को बेचने वाले हैं, तो इसलिए इस 40,000 को ही अभी ही अलग कर देंगे 12,000। ये सम पढ़कर थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि किस मशीन को हम लोग आगे बेच दे रहे हैं। इस मशीन को भी हम लोग आगे बेचने वाले हैं, पर इस मशीन का पूरा 40,000 नहीं, सिर्फ 12,000, तो 28,000 अलग कर दिए। तो 31 12 12 में लेस डेप एट द रेट 10%। अब देखो, एसएलएम में और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिफरेंस क्या है। एसएलएम में हर बार डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, तो अगर ये अभी एसएलएम होता तो हम 32,000 का 10% दे देते, पर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 10% देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं देंगे। 10% जब दोबारा डेप्रिसिएशन देना है तो बैलेंस के ऊपर देंगे, मतलब 28,800 के ऊपर हम लोग 10% देंगे, तो आएगा 2,880। ये वाला
4320, अगर अभी ये SLM होता तो हम लोग 48,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन देते, पर यहाँ पे 43,200 के ऊपर देंगे, इसलिए सिर्फ इतना होगा। यहाँ 12,000 का 10% कितना होगा, 1200, बट ये जुलाई में खरीदे हैं और दिसंबर में डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, मतलब 6 months, तो 12,000 का 10%, 1200, और उसका 6 months 600, 28,000 का 10%, 2800, उसका 6 months 1400, सबको माइनस कर देंगे, तो इससे इसको माइनस करो, टू फाइव नाइन टू जीरो, इससे इसको करेंगे 43,200 माइनस 43,200, तो 3,888,000, 12,000 से 600 जाएगा तो 11,400, और 28,000 से 14,1400 जाएगा तो 26,600, तो 1,113 बैलेंस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन 31/3/13, मतलब 31 मार्च 2013 को मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/7/12 कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर 11,000। अब 2013 में क्या हुआ, बोल रहा है हम लोग जो मशीन को इस डेट पे खरीदे थे 1/7/12 में, इस मशीन का 40,000 का 12,000 वाला पोर्शन को हम लोग बेच दे रहे हैं, पूरा 40,000 नहीं बेचकर उसका सिर्फ 12,000 का पोर्शन हम लोग बेच दे रहे हैं 11,000 में, ठीक है। तो मतलब हम लोग इस 12,000 को सेल कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा को, पर बेचने के पहले डेप्रिसिएशन देकर बेचा जाता है, तो 31/3/13 को हम लोग इसको बेच रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन इस डेट पे देना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो अगर ये SLM होता तो अभी हम 12,000 पे डेप्रिसिएशन निकालते, दैट इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, पर ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसमें जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे, तो 11400 के ऊपर अगर हम लोग 10% देंगे तो 11400 आएगा, तो ये कितने से डेप्रिशिएट किया, 11400 से, पर पूरा साल नहीं, सिर्फ बेचते वक्त हम बोले थे मंथ काउंट करना, तो 3 महीना, तो 11400 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 285। तो इसके ऊपर सिर्फ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बीच में अगर डेप्रिसिएशन दे रहे हैं तो सिर्फ उसी पे देंगे जिसको बेच रहे हैं, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, 11400 माइनस 285, तो 4 बार 1 बाई 5, इसको हम लोग बेच रहे हैं कितने में, 11,000 में, इतना का सामान था, इसको 11,000 में हम लोग बेचेंगे तो हम लोगों को लॉस हो जाएगा, हम लोग को 115 रुपया का लॉस हो गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 36/13 में, मतलब मार्च के बाद फिर जून आ गया, जून 2013 में मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/1/11 होगा, वो ये 14 लिखा है, ये 11 है, ठीक है। तो 30 जून 2013 में हम लोग जो मशीन 1/1/11 में खरीदे थे, मतलब 80,000 का, उसका सिर्फ 32,000 का पोर्शन हम लोग बेच रहे हैं 26,700 में, तो 30 जून 2013 आ गया। अब हम लोग 80,000 का, हम लोग 80,000 का सिर्फ 32,000 वाला पोर्शन को बेच रहे हैं, तो बेचते मतलब ये वाले मशीन को बेच रहे हैं, अब बेचने के पहले डेप्रिसिएशन देकर बेचेंगे तो फिर इसके ऊपर डेप दे रहे हैं 25,920 का 10%, याद रहे ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए जब भी डेप्रिसिएशन देंगे बैलेंस के ऊपर देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं देंगे, तो 25,920 इंटू 10%, पर कितने महीने के लिए, जनवरी से जून तक, दैट इज 6 months, 2592 का 10% 2592 इंटू 6/12, तो आएगा 1296,
अब इतना का मशीन था, इतने से उसका वैल्यू गिर गया, तो आज इसका वैल्यू कितना है? 24624। पर हम लोग इसको बेच कितने में रहे थे? हम लोग इसको बेच रहे थे 26700 में, सोल्ड कर रहे थे। इतने का सामान था, 26000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो जाएगा। टू जीरो सेवन सिक्स का हम लोग को प्रॉफिट हो गया। ऑन 1/10/13 फिर अक्टूबर आ गया, और एक मशीन खरीदे हम लोग 20,000 का, और इसमें कुछ नहीं है, जस्ट लास्ट में 1 अक्टूबर 2013 को और एक मशीन खरीदी है। तो 1/10/13 में परचेज किए हैं और एक मशीन M3 लिखे हैं, और लास्ट में हम लोग 20,000 का एक मशीन खरीदे हैं। लास्ट में 31/12/13 में डेप्रिसिएशन दे देंगे, जो जो मशीन बचा है। ये मशीन तो बचा नहीं, तो इस मशीन के ऊपर दे देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे देना नहीं है, जो बैलेंस बचा है उसी का 10%, तो 3888 जो बचा है उसी का, तो कितना बचेगा? 3888 0 माइनस 3888, दैट इज 34992। और ये वाला मशीन भी सेल हो गया, तो सिर्फ इसके ऊपर 2660, तो 2660 माइनस 2660, 23940, और इसके ऊपर भी देना होगा, तो 20,000 का 10% 2000, और ये अभी खरीदे हैं तो मंथ काउंट करेंगे 3 मंथ्स, तो into 3/12 दैट इज 500, तो ये 19,500 बचा। तो ये वैल्यू 1/1/14 का ये बैलेंस है।